इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए कीमत की बुलेट ट्रेन को जापानी सहायता मिलने से भारत और जापान के आपसी संबंध नए स्तर तक पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन, जिसका साउथ चाइना क्षेत्र में अधिकांश पड़ोसियों के साथ विवाद है, को एक स्पष्ट संदेश देते हुए स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का आह्वान किया, जहाँ सार्वभौमिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाता है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच हथियारों के सौदे से इलाके में अस्थिरता पैदा हो सकती है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि ये खरीदारी भारत को आक्रामक सैन्य सिद्धांतों को अपनाने और सेना में दुस्साहस पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसके खिलाफ विनाशक गतिविधियों में शामिल हो रहा है। जुलाई में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाला LET का शीर्ष कमांडर अबू इस्माइल मारा गया है। श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में एक और पाकिस्तानी आतंकवादी भी मार दिया गया। 13 दिन के लंबे विरोध के बाद राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण की माफी पर फैसला करने के लिए एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी की स्थापना करने का फैसला किया है। सरकार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों को ऋण माफी योजनाओं का भी अध्ययन करेगी। सरकार ने एयर इंडिया में विनिवेश के लिए सहयोगी सलाहकार नियुक्त करने के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। 50,000 करोड़ रुपए के भारी कर्ज तले दबी इस एयरलाइन को 2015-16 में 105 करोड़ रुपए का लाभ मिला था। भारत ने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता और बढ़ा दी है। पड़ोसी देश में म्यांमार से भारी तादाद में भागकर आए रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए हवाई रास्ते से भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुँचाया जा रहा है। कार्ति चिदम्बरम ने CBI के सामने एयरसेल मैक्सिस के मामले में पेश होने से इनकार कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक विशेष अदालत ने सभी अभियुक्तों को छुट्टी दे दी है और इस मामले में कार्रवाई समाप्त कर दी है। CBI ने दावे का खंडन करते हुए कहा कि जांच अभी भी चल रही है। यूपी के बागपत इलाके में मजदूरों से खचाखच भरी हुई एक बोट के यमुना नदी में डूब जाने से करीब 40 लोग मारे गए हैं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिवार के लिए 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। हरियाणा के मुस्लिम बहुल इलाके नूह में दूध की डेयरी चलाने वाले एक परिवार, जिसे अप्रैल में गौ रक्षकों द्वारा क्रूरता से पीटा गया था, का कहना है कि वो न्याय पाने के लिए लड़ते रहेंगे। राजस्थान पुलिस ने सभी 6 अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दी है, जिनका नाम पहलू खान ने मरते समय लिया था। एक सिक्किम फिल्म का निर्माण कर चुकी बॉलीवुड की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस पहाड़ी राज्य को उग्रवाद ग्रस्त बताने पर लोगों के निशाने पर आ गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से माफी की मांग कर रही सिक्किम सरकार से माफी मांगी है। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।